हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप इग्नू में फोर पेपर्स का आप एग्जाम दे लेते हो, उसके बाद आपको जब इग्नू की फाइनल मार्कशीट चाहिए होती है, तो आपको किस तरीके से फाइनल मार्कशीट मिलेगी, आपको किस तरीके से अप्लाई करना है फाइनल मार्कशीट के लिए, तो वो प्रोसीजर आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको प्रोविजनल मार्कशीट कैसे मिलेगी इग्नू से। इग्नू से पहले प्रोविजन मार्कशीट आपको मिलती है, एंड आफ्टर जब आपका कॉन्वोकेशन होता है इग्नू में, देन आपको फाइनल मार्कशीट मिलेगी। और फाइनल मार्कशीट, आपकी प्रोविजन मार्कशीट तब तक वैलिड होगी जब तक आपको आपकी फाइनल मार्कशीट नहीं मिल जाती है। सो जस्ट आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन टू यू। देखो, ये इग्नू की वेबसाइट है। आप यहाँ पे जाओगे तो आपको पहले इग्नू के पोर्टल पे जाके आपको अपनी ग्रेड कार्ड डाउनलोड करनी है। अभी ग्रेड कार्ड का सेक्शन ओपन नहीं हो पा रहा, बिकॉज शायद अभी कोई एग्जाम नहीं कंडक्ट हुई है, इसी वजह से ये सेक्शन अभी ओपन नहीं हो पा रहा है। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये एरर बता रहा है। बट अदरवाइज ऐसे क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आती है जहाँ पे आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ता है, देन आपको आपकी ग्रेड कार्ड मिल जाएगी। सो यहाँ पे मैंने आपको दिखा रहा हूँ, मैंने मेल ड्राफ्ट कर रखी है। जब आपको इग्नू से मार्कशीट चाहिए होगा तो आपको ये मेल इग्नू को भेजना पड़ेगा। अगर आप CMA स्टूडेंट हो तो आपको icwi.somas@ignu.ac.in पे आपको सेंड करनी पड़ेगी, एंड आपको अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी कि आपका नाम क्या है, आपके एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, एडमिशन, पास्ट ईयर, आपको ये मेल करनी है। आफ्टर इसके साथ आपको अटैचमेंट्स भी देने हैं। देखो, मैंने इसके साथ अपनी CMA इंटर की मार्कशीट, CMA फाउंडेशन की मार्कशीट एंड CMA इंटरमीडिएट ये पास आउट की है, जो फाइनल मार्कशीट होती है ये भी मैंने इंसर्ट कर रखा है। एंड इसके साथ ये आपकी ग्रेड कार्ड होगी जो आपको इग्नू के साइट से डाउनलोड करनी है। इसमें सारे सब्जेक्ट में स्टेटस कंप्लीटेड डालना चाहिए, यानी आपके असाइनमेंट्स के नंबर और प्लस आपके जो फाइनल पेपर्स के नंबर होते हैं वो सारे कुछ होने चाहिए। देन जब इसमें सब में स्टेटस कंप्लीटेड आ जाए, आफ्टर ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके इस पार्टिकुलर मेल आईडी पे आपको सेंड करनी है। उसके बाद आपके पास ये मेल आएगी इग्नू के साइट से, डियर लर्नर, रिसीव्ड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर क्रेडिट ट्रांसफर पर्पस, योर क्रेडिट ट्रांसफर इज अंडर प्रोसेस, द मैटर विल बी कम्युनिकेटेड टू यू शॉर्टली। देन आपके पास मेल आ जाएगी जिसमें आपका क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा आपके मार्क्स। एंड आफ्टर इट मेरे पास और कोई मेल आया था, ये देखो, ये भी एक और मेल आ रखी है, योर ग्रेड कार्ड इज अपडेटेड फॉर मार्कशीट, डिग्री एंड सर्टिफिकेट, प्लीज कॉन्टेक्ट रजिस्टर स्टूडेंट। यहाँ पे आप ग्रेड कार्ड इज सबके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी टोटल फाइनल मार्कशीट जो बनी थी ये इन्होंने ऑनलाइन भेजा था फर्स्टली, ये मेरे पास ऑफलाइन भी आया था हार्ड कॉपी में। सो आप इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत टाइम मैंने इन्हें चेज किया, आप देख सकते हो, काफ़ी बार मैंने मेल किया है कि आई एम मेल डू बट आई डिड नॉट गेट एनी अपडेट लाइक दैट। तो आपको मेल करनी पड़ेगी, आफ्टर दैट यू विल गेट योर मार्कशीट थ्रू कुरियर, आपके घर पे आपको रिसीव हो जाएगी। सो ये प्रोसेस है आपको प्रोविजन मार्कशीट ऑब्टेन करने का। मेरी लाइट्स जा चुकी है, सो होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो।